मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्डली वेलकम करता हूं। आज मैं इस चैनल पर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, जिसे दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना संबंधी प्रावधान भी कहते हैं, उसके संबंध में बतलाने जा रहा हूं। इसमें स्थिति क्या होती है, कई बार पति पत्नी की मैरिज के बाद, चाहे वो लव मैरिज की हो चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह जो सप्तपति होता है उस तरह का है, या किसी भी प्रकार की कोई हिंदू जिसके अंतर्गत सिख, जैन और हिंदू आते हैं, इनकी मैरिज में किसी प्रकार का कोई पति पत्नी के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो गया है और पत्नी पति को बिना कोई कारण बताए अपने मायके चली गई है, या पति ने अपनी पत्नी को मायके छोड़ा है उसके बाद वह वापस लौट कर नहीं आ रही है, कई बार टेलीफोनिक बातचीत हुई, पति उन्हें मान मनोवल करके मनाने भी गया लेकिन वो बिना कोई कारण बताए अपने मायके में रहने लगी, तो ऐसी स्थिति में इसे रेस्टोर करने के लिए कुछ विकल्प हैं जो सेक्शन 9 के अंतर्गत है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का दावा न्यायालय में प्रस्तुत करने के पहले पति को उसको मनाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए, काउंसलिंग करके देखे, किसी तरह से समाज के लोग बैठ जाएं, प्रतिष्ठित या उसके परिवार के, महिला के परिवार के, जिनकी बात दोनों पक्ष मानते हैं, कारण क्या है इसका पता करे, कोशिश करें कि किसी तरह से दोनों के दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो सेक्शन 9 के अंतर्गत पति हो या पत्नी उस न्यायालय में जिसका क्षेत्राधिकार, या तो जहां शादी हुई है, जहां दोनों निवास कर रहे हैं, चाहे पति हो या पत्नी हो, उस क्षेत्राधिकार के न्यायालय में धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का, दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना का दावा लगा सकते हैं। सामने वाले पक्ष को, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, नोटिस जाएगा, वो आकर न्यायालय में बताएगा किन कारणों से, या तो पति नहीं रखना चाहता है तो क्या कारण है, या पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती है तो क्या कारण है। न्यायालय यदि संतुष्ट होता है तो मीडिएशन करेगा, उसके बाद दोनों को साथ रहने का आदेश न्यायालय सेक्शन 9 की इस पिटीशन को स्वीकार करते हुए देगा, जिससे दाम्पत्य जीवन की पति पत्नी की पुनर्स्थापना हो जाए। यदि इसके बाद भी कंप्लायंस नहीं होती है तो इसका लाभ सबसे बड़ा यह होता है, यदि पति के पक्ष में इस तरह का आदेश हुआ कि पत्नी उसके साथ रहे और वो नहीं रहती है तो वो उससे डायवोर्स ले सकता है। डायवोर्स में भी पहले मीडिएशन कंसिलेशन की प्रोसीडिंग चलती है, यदि म्यूचुअल कंसेंट का डायवोर्स नहीं है, किसी भी आधार पर पति अपनी पत्नी से डायवोर्स ले सकता है। पत्नी के लिए भी इसी प्रकार के, यदि पति को उसके साथ रहने का आदेश दिया है और पति उसे नहीं रख रहा है तो भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का सबसे बड़ा लाभ यही है कि ऐसी स्थिति में यदि पति के पक्ष में गया है तो उसे मेंटेनेंस नहीं देना होगा, डाइवोर्स के लिए ग्राउंड्स बनते हैं, इसी तरह पत्नी के लिए भी यही सब आधार है। तो इस प्रकार दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के द्वारा पति और पत्नी विवाह के पश्चात अपने परिवार को बसाएं, अच्छे ढंग से रहें, इसके लिए धारा 9 दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का दावा सिविल कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके लिए क्या क्या दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होंगे। सबसे पहले आप मैरिज का कोई भी प्रमाण, फोटो, मैरिज का कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड आदि के साथ पिटीशन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सामने वाले को नोटिस दिया जाएगा, वो स्वयं उपस्थित होगा या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की जो पिटीशन है उसका जवाब प्रस्तुत किया जाएगा, दोनों पक्षों से पूछा जाएगा, मीडिएशन काउंसिलेशन की कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी कारण से दोनों के मध्य कोई सामंजस्य होने का आधार नहीं बनता है तो ऐसी स्थिति में उस प्रश्न वाद प्रश्न बनाए जाएंगे जो इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यूज ऑफ लॉ हो सकते हैं।
इस पर एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। जो भी पिटिशनर के रूप में पति या पत्नी न्यायालय के समक्ष गया उसकी साक्ष्य होगी, सामने वालों को जिरह का अवसर दिया जाएगा। इसी प्रकार जब उसकी पिटिशनर की साक्ष्य पूर्ण हो जाएगी, चाहे वो पति या पत्नी हो, तो सामने विपक्षी के रूप में जो भी पति या पत्नी जिसके द्वारा सामने वाले पक्ष को पक्षकार बनाया गया है, वो अपनी साक्ष्य बचाव में पेश करेगा। उस पर क्रॉस विपक्षी द्वारा किया जाएगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय साक्ष्य के आधार पर उसका विश्लेषण करते हुए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री एक साथ रहने की पति या पत्नी के पक्ष में दे सकता है। तो इस प्रकार मैंने दाम्पत्य जीवन के पुनर्स्थापना के संबंध में दावा कैसे लगाया जा सकता है, इसके क्या लाभ हैं, यह आपको बताने का सरल शब्दों में प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नए वीडियोस, लीगल इन्फॉर्मेशन, कानूनी जानकारी जो भी मेरे द्वारा दी जा रही है, मैं एक रिटायर्ड न्यायाधीश हूँ और अपने अनुभव के आधार पर समाज की सेवा तथा सामाजिक सुधार एवं समाज में लागू होने वाले जो भी कानून, इंडिया के कानून हैं, सभी विषयों पर इस चैनल के माध्यम से नए नए वीडियोस प्रतिदिन उपलब्ध करा रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगे ये वीडियो तो आप अपने मित्र, दोस्त, परिचितों को लाइक शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।